भैया जी का दाल भात परिवार भी गाइस यहाँ पे चलता है। मंदिर के ठीक थोड़ा से पहले ही है। बाबा जी भी आशीर्वाद दे दिए गाइस। तो गाइस यहाँ पे बाबा जी भक्ति में पूरी तरह से लीन हैं, शिव भक्त हैं और पूरी तरह से आशीर्वाद की। तो गाइस जो आप सामने देख पा रहे हैं ये परेड ग्राउंड वाली एरिया, यहीं पे बनाई गई है पार्किंग वगैरह। तो आज के ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मुझे लगा कि नहीं, यहीं से स्टार्टिंग होती है माघ मेले की, तो आपको कर देते हैं थोड़ा से अपडेट, उसके बाद लेके चलते हैं आपको माघ मेले में कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से रास्ते आपको संगम की ओर ले जाते हैं और यहाँ पे क्या क्या खास है सबसे आपको रूबरू कराते हैं। तो गाइस सबसे पहले जब आप आते हैं परेड ग्राउंड की तरफ से तो आपको यहाँ पे एक छोटी सी ऊंचाई मिलती है जिसको आप चढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, फिर आपको मिलेगा यहाँ पे बोर्ड जिस पे लिखा है कुंभ नगरी प्रयागराज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो गाइस ये है परफेक्ट यहाँ का चौराहा। जब परेड से आप आगे बढ़ते हैं तो लेफ्ट साइड में भी आप जा सकते हैं दारागंज की ओर, साथ ही साथ गाइस राइट साइड में आप जाएंगे बड़े हनुमान जी बधवा, लेटे हनुमान जी भी कहते हैं। और जब आप आगे बढ़ेंगे बोर्ड की ओर तो आप सीधे चलेंगे संगम के मार्ग पर। अलग गाइस हम आपको लेके चलेंगे संगम मार्ग पर, साथ ही साथ गाइस जो सारा रास्ते में पड़ेगा उसको मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता भी चलूँगा। तो गाइस चलिए अपनी यात्रा हम स्टार्ट करते हैं और ये हम लोग ऊँचाई से ढाल की ओर चलना स्टार्ट कर दिए। तो गाइस यहाँ पे आपको फोर एक्सिस मिलेगा एक चौराहा, जैसे ही आप 200 मीटर के आसपास आगे बढ़ते हैं एक फोर एक्सिस का चौराहा मिलेगा, यहाँ पे चारों तरफ से लोग आते हुए जाते हुए दिखाई देंगे। पाठ में लगे हुए हैं? नहीं, मैं तो इनका सेवा। अच्छा। तो गाइस यहाँ पे बाबा जी भक्ति में पूरी तरह से लीन हैं, शिव भक्त हैं, अच्छे भाई साहब भी हैं, बाबा की सेवा में लगे हुए हैं। फिलहाल हम लोग चल रहे हैं हनुमान जी की तरफ जहाँ पे हमारे बजरंग बली हैं, जो कि जिनको शहर का कोतवाल भी कहा जाता है। तो चलते हैं आपको उनके मंदिर की तरफ लेकर के। आज है दिन संडे है ना, तो गाइस जब भी शनिवार को आएंगे तो वहाँ पे दर्शन भी करेंगे। फिलहाल आपको ले चलते हैं मंदिर के रास्ते पर और दिखाते हैं मंदिर। तो गाइस हम लोग जैसे ही वहाँ से राइट लिए हैं, फोर्थ एक्सिस जहाँ से आपको चौराहा मिला था वहाँ से राइट लिए हैं, चल रहे हैं अब हनुमान जी की तरफ जहाँ पे हमारे लेटे हुए बजरंग बली और शहर के कोतवाल साहब हैं। तो चलिए आपको उनसे मिलवाते हैं। फिलहाल गाइस यहाँ पे बगल में जो काम वगैरह हुए थे वहाँ पे जो रिमेनिंग पार्ट है यहाँ पे रखा हुआ है, हालांकि यहाँ पे काफ़ी खाली सा, इसलिए प्रशासन रख दिया होगा। फिलहाल यहाँ पे टेंट वगैरह काफ़ी अच्छे तरह से लगाए जा चुके हैं। जैसे ही आप शुरू में आएंगे तो यहाँ पे सब आपको प्रशासन वाले टेंट मिलेंगे। आप यहाँ पे काम वगैरह कर रहे हैं कि बस घूमने आए हैं, नहाने आए हैं? कहाँ से आए हैं? अच्छा रीवा से। अच्छा काम करने आए हैं। कुछ यहाँ पे गाइस शरणार्थियों के भी टेंट लगे हुए हैं जो यहाँ पे बिना, तो एक तरह से कह सकते हैं गाइस जिनके पास होम नहीं, होमलेस लोग हैं तो यहाँ पे अपने टेंट वगैरह लगा कर गुजारा कर रहे हैं। बगल में आप देख पा रहे होंगे। तो गाइस लगभग 300 से 400 मीटर के आसपास चले फिर हम लोग सीधे दिशा में। वहाँ पे चलने के बाद फिर से हमको यहाँ में जो है लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन होना शुरू हो गया है, मंदिर यहाँ से दिखने लग गई है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं मंदिर की ओर। तो गाइस इधर बगल में पुलिस प्रशासन का टेंट लगा हुआ है, साथ ही साथ सामने है शिविर कार्यालय पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का। तो आपको लेके चल रहे हैं हम सबसे पहले हनुमान जी के पास। सामने है गाइस शंकर विमान मंडपम, बहुत ही ज़्यादा खास मंदिर है गाइस, ये बहुत ही खूबसूरत है। कभी भी आप यहाँ आएँ तो इस मंदिर को बिल्कुल मिस ना करें। बगल में है उत्तर प्रदेश वन विभाग का कैंप कार्यालय, यहाँ पे लगाए हुए हैं गाइस माघ मेले के लिए। हालांकि गाइस यहाँ प्रशासन के जितने भी कार्यालय हैं सारे आपको मिल जाएंगे। बगल में है होम गार्ड्स लाइन।
यहाँ पे आपको घर गृहस्थी डेली नीड से संबंधित कुछ सामान अगर लेना हो तो आप आएँ, घूमें टहलें, दर्शन वगैरह करें और यहाँ से सामान वगैरह लेकर के निकलें। थोड़ा से भाइयों की भी मदद हो जाएगी। तो पार्ट से रिलेटेड सामान भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। भैया जी का दाल भात परिवार भी गाइस यहाँ पे चलता है, मंदिर के ठीक थोड़ा से पहले ही है। तो गाइस जब से माघ मेला चल रहा है तब से संडे मंडे हर दिन एक बराबर सा चल रहा है, यहाँ पे भीड़ की कोई कमी नहीं है, श्रद्धालुओं की कोई कमी नहीं है। बाबा जी भी आशीर्वाद दे दिए गाइस। सामने है गाइस प्रवेश द्वार, बड़े हनुमान जी मंदिर। ये सामने है प्रवेश द्वार जहाँ से सब लोग इंटर कर रहे हैं मंदिर में। हनुमान जी के मंदिर से सटा हुआ ये अकबर का जो पुराना यहाँ पे किला है, जो कि जमुना नदी के किनारे से होकर के लगा हुआ है, काफ़ी बृहद, काफ़ी बड़ा है गाइस। तो गाइस बजरंगबली को सबसे ज़्यादा पसंद मोदक यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। मोदक का रेट यहाँ पे 160 रुपये प्रति किलो खिली हुई है, जिसकी वजह से कैप को उतार करके आज पॉकेट में रख लिया है और बहुत खुश हैं क्योंकि आज थोड़ा सा माहौल गर्म है। एक तरह से कह सकते हैं गाइस जिनकी ऑफिस वगैरह यहाँ पे बनाए हैं। तो गाइस यहाँ पे श्री प्रयागराज अन्न क्षेत्र द्वारा किए गए सेवा कार्य के लिए भैया ने बुलाया तो चले आए यहाँ पे। भैया ने भी बताया कि यहाँ पे डेली भंडारा चलता है। तो गाइस यहाँ से 12 बजे से 4 बजे तक आपको पूरी तरह से यहाँ पे खाना पीना आपको मिल जाएगा, निःशुल्क मिल जाएगा। सभी भंडारे का ये पूरा उद्देश्य होता है और निःशुल्क ही दिया जाता है। और गाइस 4 बजे के बाद भी अगर आप आते हैं तो यहाँ पे चाय वगैरह आपको निःशुल्क मिल जाएगी। सपोर्ट कीजिए आप लोग, जल्दी से 10,000 करवाइए। चलिए थैंक यू सो मच भाई, लोग डाल देंगे भाई हम। ठीक ठीक। तो गाइस यहाँ पे ये डॉकयार्ड बनाए हुए हैं, यहाँ बोट वगैरह सारी लगी हुई हैं, आप यहाँ से आइए बुक कीजिए। अगर आप पर हेड जाएंगे तो 60 रुपये पर सवारी पड़ेगा, अगर पूरा बुक करके जाएंगे तो 720 रुपये के आसपास ये लोग चार्ज करते हैं।
तो गाइस गंगा मैया की गोद से करते हैं वीडियो कहीं समाप्त। जय हिंद, वंदे मातरम, जय गंगे मैया।